अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और कॉट बिहाइंड आज लोग जिस तरह हुए, मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे साथ आज भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हम बड़ा रेट्रोस्पेक्टिव व्यू देंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड हाउ इट नीड्स टू पैन आउट नाउ। ये टूर्नामेंट कैसे शुरू हुआ। राशिद लतीफ पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हमारे साथ होंगे। शुक्र है कि एक्स हैं, अगर मतलब क्या कहो। और साथ होंगे जी कमरान मुजफ्फर, द मोस्ट पेट्रियोटिक, द मोस्ट बेनेवलेंट, समबडी हु स्टैंड्स अंडर द ग्रीन फ्लैग एंड स्टिल थिंक्स दैट पाकिस्तान कैन गो ऑल द वे। पता नहीं आज शायद जिस तरह प्लेयर्स भागे हैं, ये भागे हैं, ये नहीं भागे हमारे, जिस तरह बैट्समैन भागे हैं। बट कामी भाई, मोस्ट वेलकम एंड वेलकम ऑन बोर्ड। और ये तो स्टेटिस्टिकली इंडेसिस निकालते कहते थे। थोड़ा सा बिफोर वी गेट इन टू द डायलॉग जी, 11 सक्सेसिव डिफीट फॉर पाकिस्तान, द सेकेंड वर्स्ट एवर डिफीट फॉर पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ वन डे क्रिकेट फॉर देम। 218 बॉल्स टू स्पेयर वेस्ट इंडीज ने टारगेट ओवरऑल किया। जब राशिद लतीफ खेल रहे थे केप टाउन में तो 43 पे पाकिस्तान की टीम आउट हुई थी, तो तब गालिबन 225 गेंदे जो है वो बाकी थी मैच में। दीज स्टैट्स कम कर्टेसी मिस्टर कामरान मुजफ्फर। और -5.8, यानी कि अब तो बारिश भी हो जाए, अब तो ये पहली दफा हुआ है नया रिकॉर्ड जो कोई भी नहीं निकाल सकता कि जब मैच खत्म हुआ इंग्लिस्तान में भी धूप थी और पाकिस्तान में भी धूप थी। 4 घंटे का डिफरेंस था और 5:30 बजे मैच खत्म, बल्ले हमें 2.5 घंटे का वेट करना पड़ा रोजा खोलने के लिए। और भाईजान जो मुझे तकलीफ हुई है वो ये तकलीफ हुई है कि जरा नंबर ऑफ ओवर्स कितने टू स्पेयर थे, यानी कि 21.3 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले, 13.2 ओवर शायद वेस्ट इंडीज ने खेले, तो ये कुल मिला के कितने बनते हैं 36 ओवर। तो हमने 100 ओवर का कमर्शियल एयर टाइम बेचा हुआ था, तो 64 ओवर जो है उनका कमर्शियल एयर टाइम कहीं नहीं, तो भाई को तनख्वाह तो मिलने वाली नहीं है अगर पाकिस्तान ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी। जनाब तनख्वाह इससे पहले आ जाएगी ना, अब मुश्किल हो गया। जी कामरान भाई। जी कामरान भाई। सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉग डॉग आप महान है, तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। राशिद भाई इधर बैठे हैं, कामी भाई आप भी मानेंगे कि देखें चाहे मॉडर्न क्रिकेट हो चाहे ओल्ड क्रिकेट हो, क्रिकेट में एक होती है बेसिक्स, और बेसिक्स में जो स्किल सेट होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो आप पिछले गेंद से भागते नहीं हैं, आप भाग नहीं जाते, यू रन। अनफॉर्चुनेटली योर टॉप ऑर्डर वॉज क्लूलेस, इट्स 105 छोड़ के मैं कहता हूँ 25 पे आउट हो जाए आप, मैं कहता हूँ 373 गेंद पहले मैच खत्म हो जाए, बट आउट तो मर्दों की तरह होना चाहिए ना आदमी को व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। सो दिस इज वेयर इट हर्ट्स, कि क्या ये बेस्ट टीम है और मोस्ट कैपेबल टीम है जो हमने भेजी, या हमारे पास बेहतर प्लेयर्स थे। अब इनको शायद समझ आएगी कि अजहर अली को कंपेल करना कोर्जन में वर्चुअली ले जाके कि रिटायर हो जाए वनडे क्रिकेट से, डिसग्रंटल करना, दीज आर द पॉइंट्स। इफ्तिखार को कंसीडर, यहां पे आउट हो जाता अजहर अली भी आउट हो जाता, एक्स्ट्रा बाउंस है यार, नहीं देखा नहीं देखा, देखा मैंने ऐसी ऐसे मतलब आप कर ले एक्स्ट्रा बाउंस क्यों ना होता। हमने यार बताएं जरा, दो सोची बताएं, एक्स्ट्रा बाउंस था यार, बाउंसर कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं था, नॉटिंघम बाउंसर बाउंसर कोई भी नहीं हुई, शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं, आगे से बॉल किक हुई है और ऐसे आउट हुए, मतलब कि आंद्रे रसल ने मीम बना दिए। अब सोच मुझे फास्ट मीडियम बॉलर कहते थे और 146 पे जो मैंने आउट किया हारिस वेल को, तो अब मुझे अगर किसी ने फास्ट मीडियम कहा तो मैं उसको बाउंसर करूंगा, ये हालत हो गई हमारी आज। सो मौका दे दे, चले अब आप शुरू हो जाए, मैं नहीं बोलूंगा। सर देखें, चले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ये सारा एनालिसिस और वीडियोस और स्टैट्स और आजकल सारा लैपटॉप में और मोबाइल में होते हैं। देखें ये मेरा मोबाइल, ठीक है, और ये गया नीचे, ठीक है। बात ये है कि इतना तो मैच ही नहीं हुआ जिसपे हम वीडियो एनालिसिस करें या नंबर्स का एनालिसिस करें। आपने मतलब कोई बंदा अच्छा आर्टिकल लिखता है ना, अच्छा लिखने के बाद वो कलम तोड़ देता है, तो आपने भी आज मोबाइल तोड़ दिया है। अब सिलसिला ये है कि उर्दू में एक मुहावरा है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। अब मैच हो तो कोई एनालिसिस करें, ये तो जो मैच हुआ है ये गली मोहल्ले के अंदर जो हम खेलते हैं वो भी, अगर आज ऐसा मैच हुआ है कि हर गली के किनारे के ऊपर जो क्रिकेट देखने वाला भी है वो भी तजिया कर सकता है, ऐसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान। अब चले हम ये कह सकते हैं, आपने हमें रेडी वालों से तशबीह दी है तो हम वो भी बनने को तैयार है, पाकिस्तान को ठीक करते हैं, पाकिस्तान टीम को।
पाकिस्तानी बराबर है, सब पाकिस्तानी बराबर है, सबके दिल में उतना ही दर्द है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान टीम को ठीक कर दें, आप हमसे जो मर्जी काम करा लें। आप भी अगर दर्द में कुछ बातें करते हैं वो आपका एक तरीका इजहार है, हम लोग बात करते हैं तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन देखिए एक हर चीज की एक लिमिट होती है, और हर चीज की आप कह सकते हैं कि ठीक है इतने हद तक तो आप जा सकते हैं कि फिर उसके बाद, लेकिन अब आप यहाँ पे देखें, ठीक है हम ऊपर के दो बैट्समैन को हम कह सकते हैं इमामुल हक का थोड़ा सा अनलकी हो गया, जो उस वक्त जो है शुरू में पिच, क्योंकि देखिए जब तक गेंद होती नहीं है तब तक आप ये नहीं कह सकते इसमें कितना पिच है, कितना बाउंस है, कितना सीम है, कितनी मूवमेंट है, आप कुछ नहीं कह सकते, सब अंदाजे होते हैं। बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, बड़ी बड़ी मिसकैलकुलेशंस हुई हैं पिचेस के ऊपर, ही होता है। लेकिन जब आपके ऊपर के दो तीन बैट्समैन आउट हो गए, और ये वो चीज है जो पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, पाकिस्तान बोर्ड को, जो भी कर पाकिस्तान की टी क्रिकेट चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, ऊपर के जो दो तीन बैट्समैन है वो हमें गेम प्लान बना के क्यों नहीं दे रहे, आउट हो गए कोई बात नहीं। आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इमरान भाई अगर जावेद भाई को अपने साथ लेके चलते थे, उनकी अपनी जो भी, उनकी जो भी पर्सनैलिटीज का जो फ्लैक्स था, जो कुछ भी था, लेकिन जो जावेद भाई आउट होने के बावजूद, आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद जो पिच की और एनवायरमेंट की कंडीशंस की जो इनपुट देते थे वो बाकी पूरी टीम के लिए काम आती थी। इस वक्त इस टीम में वो प्लेयर कहाँ है, वो माइंड करना नहीं चाहते, ये भी बता दूं मैं आपको। नहीं 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 अच्छा कामरान भाई एक और चीज है, कामरान भाई जो एक मसला है ना, जो राशिद शायद मेरे से अग्री ना करे, कि it is not a question of our team failing or getting busted out for 105 match jo hai wo aap haar gaye 64 over pehle, mujhe wo bhi malal nahi hai, west indies jeet gaya wo bhi malal nahi hai, malal ye hai ki jis waqt aap hamari intellectuality ko challenge karenge aur hamari cognition ko challenge karenge by coming up with stupid statements and hyperbole about the players you have chosen, और हमें आप ये समझेंगे कि हम बेवकूफ हैं, तो दिस इज वेयर इट हर्ट्स वेरी बैड। थोड़ा सबर कर रहे हैं, अभी एक मैच हुआ है और आप तो हिम्मत हार गए। मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं कहता हूँ इसके बाद ये सेमीफाइनल भी खेल जाए, वर्ल्ड कप भी जीत के आ जाए यार, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जो शेडो बॉक्सिंग हमारे साथ करते हैं। अगर वर्ल्ड कप जीत के आ गए 20,045 में क्या होगा? वैसे बताया कामरान भाई क्या हो रहा है आजकल इसमें? दो चीजें, एक तो ये है कि वही जैसे किसी ने कहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा अचानक नहीं होता, तो ये अचानक नहीं हो रहा आपके साथ। एक आप लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, बस सदियों वाली बात तक ना पहुंचे हम तो बेहतर है, क्योंकि हमारी हॉकी तो सदियों से मूड पूरा है, पहुंचने का मूड पूरा हमारा, हॉकी वो सजा खा चुकी है। अब अगर आपको याद हो डॉक, हम लोगों ने पीटीवी के ऊपर एक शो किया था 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे पीटीवी की स्क्रीन अब याद नहीं है वैसे। चले सुन नहीं, मैं आपने सवाल ये किया था कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते हैं पाकिस्तान, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो अब इसके असरात क्या होंगे, चेंजेस आएंगी क्या होंगी, तो उस वक्त भी मैंने आपसे गुजारिश यही की थी कि इस जीत के पीछे बहुत कुछ छुप जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है वो आदि हो चुके हैं स्टेरॉइड्स के, हमारी क्रिकेट जो है वो स्टेरॉइड्स की आदि हो चुकी है। आपको एक स्टेरॉइड शॉट लगता है, आप यूफोरिया में आ जाते हैं, आप उछलने कूदने लगते हैं, आप जीत गए, बस एक आपकी परफॉर्मेंस लग गई, आपने फखर जमान ने रन कर दिए, बस आप खत्म हो गई, अब आपको ना सिस्टम देखने की जरूरत है, ना आपको बैकअप देखने की जरूरत है, आपका एक हफीज टीम से बाहर होता है, आपका कॉम्बिनेशन आउट हो जाता है, शुएब मलिक टीम से आउट होता है, आपका कॉम्बिनेशन टीम की कॉम्बिनेशन अलग होगी। अब आप ये देखें कि ये जिस पिच के ऊपर आप ये सोचें हम दो स्पिनर के साथ दें, नहीं, लेकिन कमरान भाई आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन आसिफ को ना खिलाना आज और हारिस पे तकिया करने का मतलब है कि हमने अपना अवर्टली अग्रेसिव माइंडसेट तो शुरू गेम से पहले ही छोड़ दिया था हमारे, हमने तो फिर ये देखा कि एक सर्वाइव कैसे करना है। एक डॉक्टर साहब इसमें मेरे ख्याल में राशिद भाई दादा और ऑफ कोर्स ये तो हम खुल के बोलेंगे, सारी की चीज है, सिलसिला ये कि टीम जमा हुई हुई है, ये टीम बनी भी कहां है, बहुत अच्छी बात की। जो भी जब पानी जमा हो जाता है उसको जगह नहीं मिलती, इधर उधर निकलने की सड़ जाता है वो, और इलाके में बदबू फैलती है, आफन फैला देता है। जमा की आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जमा की हुई है टीम, लेकिन इनको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, जैसे डॉक्टर को तो अंदाजा हो गया था क्योंकि मेरी टीम आ रही है ना, आप दोनों की टीम तो जीत गई आज, आप लोगों को तो इतना नुकसान नहीं है जितना मुझे हो रहा है। मेरी तो वैसे टीम कोई नहीं होती, मैं तो क्रिकेट एंजॉय करता हूँ, बड़ी सीधी सी बात है। आप आगे अच्छा, अभी आप पतली गली से निकलने की कोशिश ना करें। अच्छा कमरान भाई आप स्टैटिस्टिशियन है बिफोर नाउ राशिद को, अभी एक बार स्टैट्स की बात की, देखिए हम लोग हमेशा अभी भी इस वर्ल्ड कप से पहले भी हमने बात की, हम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की बात की,
और पूरा हमने चैंपियंस ट्रॉफी को कर लिया, वनडे कर लिया, सब कुछ कर लिया, चैंपियंस ट्रॉफी को माइनस कर दिया, हमने एशिया कप को भी माइनस कर दिया था, हमने बायलैटरल सीरीज पे रखा या जो सीरीज हुई है उसके ऊपर हमने रखा, वो मेरे ख्याल से हमारी गलती है। इवेंट के हम अंदर परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग ही होती है, उसको हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए उसको तमगा हम लेके कब तक घूमेंगे, और हमें एशिया कप को भी देखना चाहिए था कि वहां पे हमारी जो हार हुई है वो किस वजह से हुई है। वहां चार फास्ट बॉलर खिला दिए, यहाँ पे दो स्पिनर खिला दिए, सब समझने वाली बात है ना। यानी कि आपका जो चलाने वाले टीम को चलाने वाला है ना हेड, उसका हेड ही नहीं है। आप बात सही कह रहे हैं, बिग हेड्स हैं भाई, मतलब बिग आज, हेड्स आज वो दिन है, मतलब मैं शायद थोड़ा सा ज्यादा कुछ खास तरीके से आई माइट बी साउंडिंग, लेकिन आप मुझे बताएं जो आपका चीफ सिलेक्टर है वो कोच का काम कर रहा है, कोच सिलेक्टर का काम कर रहा है, नहीं क्योंकि कोच और काम कर रहा है, तो जो 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 जिसका रोल है वो कर नहीं रहा, तो टीम का तो यही यही हशर होना है कि एक झटका कहीं नहीं। सर टीम का हशर, बात सुने मैं आपसे भी ज्यादा हार्ड जाऊंगा, टीम का हशर भी यही मेन दो स्टेक होल्डर्स हैं, यही दो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने टीम को यहां तक पहुंचाया, अपनी इडियोसिंक्रेसीज पे और अपने अपने मेंटालिटी। अच्छा एक चीज लास्ट इस हवाले से, आप स्टैटिस्टिशियन है, मैं देखें मुझे इमामुल हक से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, ही इज लाइक अ नेफ्यू टू अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उनकी रोल मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं जस्टिफाई करता हूं, मुझे आप ये बताएं 60.63 की एवरेज हो या उसकी 99.96 की एवरेज हो, वो सर डोनाल्ड ब्रेडमैन को भी बीट कर जाए, डू यू थिंक दैट क्वांटिफिकेशन क्वालिफाइज हिम एज ए क्वालिटेटिवली एसेंशियल टूल फॉर विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान? नो। सो ये एक क्रिकेट पैशनेट लोगों ने वो नंबर्स पर जाके 60 की एवरेज है, 50 की एवरेज, यार फखर किया कि 52 की एवरेज है, पिछले 13 मैच उठा के देखें। सो मेरा कंसर्न ये है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस एंड आपकी टीम के लिए राशिद के जो आखिर के 12 रन होते थे ना 18, वो शायद टाइम इंजी की 100 पे भी भारी हो जाते थे, कि आपने लास्ट में आके किया। जनाब वो बोल रहे हैं मैं आता हूँ, कहाँ जा रहे हैं आप? ओके से जा रहे हैं भाई, ओ बैठ जाओ भाई, नाराज तो नहीं हो गया? चल आ रहा भाई, आ रहा। नहीं नहीं इसमें डॉग देखें, हम इमाम किसी को सिंगल आउट क्यों करें, टीम जीत, सिंगल आउट नहीं कर रहा मैं, एक एग्जांपल एनालॉजी दे रहा हूँ, हाउ कुड बी जस्टिफाई हैविंग पिक्ड अप शोएब मलिक ऑन दिस टीम लुकिंग हिज रिकॉर्ड पास्ट रिकॉर्ड इन इंग्लैंड एंड हिज रिकॉर्ड रीसेंट रिकॉर्ड फॉर द लास्ट ईयर और सो, हाउ कुड वी लेट गो एंड विंक अवर आईज। ठीक है हारिस सोहेल एक अस्टाउंडिंगली टैलेंटेड लड़का है, 50 की फर्स्ट क्लास एवरेज है, बहुत आला खेलता है, लेकिन जहां पे भी टेस्ट आया और टेस्टिंग टाइम आए वहां पे या गिटा गया या गोडा गया, दैट शोज द मेंटालिटी। सो किधर गया जुनेद खान, किधर गया उस्मान खान शनवारी, हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ, हसनैन ने 2 गेंदे 150 पे की, मैं अभी भी कहता हूं कि वहाब जितना मर्जी आज एक्सपेंसिव हुआ हो ही शुड हैव बीन इन द फर्स्ट 15 टीम में होना चाहिए था, आप हसनैन को लेके जा रहे हैं, 150 तो शनवारी भी कर लेता है, 150 किलोमीटर पे तो वहाब भी कर लेता है, अब 2 गेंदों पे T20 भी ले गए, किधर गया वो इफ्तिखार, किधर गया, मुझे समझ नहीं आती ना देन क्राइटेरिया क्या है। नहीं ये जो बातें कर रहे हैं ये इश्यूज नहीं है, इश्यूज को डाइवर्ट करने वाली बातें हैं सारी ना, ये सिस्टम चलता रहता है कि इसको सिलेक्ट किया उसको नहीं किया, हेल्थ को हमने बाहर कर दिया उसको नहीं किया, इस तरह से चलता रहता है, कुछ मैच और हो जाने दें, अभी एक पोजीशन क्लियर नहीं हो, बादल आ गए हैं बारिश नहीं हुई, जब मौसम क्लियर होगा ना तो पिक्चर साफ नजर आएगी, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि 3 साल पहले क्या हुआ, उसके बाद कहां से ये बर्बादी शुरू हुई, कैसे लोग इंजेक्ट किए गए बर्बादी के लिए, अगर फॉरनर कोच आता है या तो किसी ने भेजा है उसको या वो हमारा अपना है, इसमें हम बात करेंगे, क्या वो बर्बादी के लिए आया था या अच्छाई के लिए आया था, क्या हम समझ नहीं सके या हम समझना नहीं चाहते, ये अभी आगे जाके मैचेस होते हैं, अल्लाह करे अच्छा करे पाकिस्तान, मैं साथ हूँ अभी भी साथ हूँ ये नहीं है, लेकिन मैं तो उसके बाद डिस्कशन होगी कि हुआ क्या हमारे साथ, कि हमारे खून निकल रहा है, समझ रहे ना, जख्म नहीं हुआ वह कटा हुआ नहीं है, खून निकल गया सारा, इसको हमें देखना चाहिए खून निकला क्यों। आपकी ऐसी बात के ऊपर बिल्कुल जो भी एनालिसिस है, जो एग्जीक्यूशन है और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो हादसा होता है वो यही होता है कि आप प्लानिंग के दौरान एग्जीक्यूट कर जाएं और एग्जीक्यूशन के बीच में प्लानिंग करते रहे, तो अब ये प्लानिंग वाली स्टेज खत्म हो चुकी थी एग्जीक्यूशन की है। पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के पास एक स्पेशलिस्ट बैटिंग कोच मौजूद है,
और जो इस पूरे जो स्टाफ है उसके अंदर सबसे पुराना है, 5 साल से वो टीम के साथ चला आ रहा है, और टीम की यही सिचुएशन है। अब ये समझ में नहीं आता कि वो हर दफा जब भी जब कुछ भी हो तो मिकी आर्थर के ऊपर या अजहर महमूद के ऊपर बहुत सारी बात होती है, वो साथ जो है वो बच जाते हैं और वो कंटिन्यू भी के चले आ रहे हैं और कुछ पता नहीं है वो फिर दोबारा कंटिन्यू कर। कमरान भाई इसी चीज को आगे लेके अगर मैं चलूं, आप एक जरा माइंड सेट देखें, आपने सलीम जाफर को सीनियर सिलेक्शन कमेटी में 2 दफा अपॉर्चुनिटी दी, उसके बाद आपने सैक किया, सैक करने के बाद आप कोचिंग में लेके गए, वो खुद गए थे, रिमूव हुए थे, ठीक है, उसके बाद आपने उनको कोचिंग में लिया, फिर आपने उनको नेशनल ये जो है कराची वाली क्रिकेट एकेडमी के ख्वाब दिखाए, उसके बाद वो छोड़ गए पीसीबी को, अब आप उनको ले रहे हैं एज चेयरमैन ऑफ द जूनियर सिलेक्टर्स। मैं आपको सिर्फ माइंडसेट बता रहा हूँ, सलीम जाफर इज अ थॉरो जेंटलमैन, क्या एग्जीक्यूशन से आप मुतमईन थे पहले व्हेन ही वाज विद द सीनियर सिलेक्टर्स, क्या आप नहीं थे, क्या आप रीइंफोर्स फेलियर को कर रहे हैं, और अगर आप रीइंफोर्स सक्सेस को करें तो तब क्यों निकाला था? सो दिस इज द क्वेश्चन, ये हर जगह है। अभी आपने ग्रांट वाली बात की, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूं, ग्रांट पे आप विंक होते जा रहे हैं, ग्रांट का कॉन्ट्रैक्ट चल दी जा रहा है, वो सर फेंक के लगा हुआ, व्हाई? बिकॉज ही नोज द फिलॉसफी एंड माइंडसेट एंड ही हैज एडजस्टेड टू दैट एनवायरमेंट, के जहां पे उसको पता है कि किसको खुश रखना है और कंटिन्यू करना नीवे नीवे ओके, दैट्स ऑल। नहीं वो नहीं, बड़ा आसान है वो, आपने कभी ग्रांट फार के इंटरव्यूज नहीं सुने होंगे, मीडिया इंटरेक्शन नहीं देखी होगी, इसलिए मीडिया उसके उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता, हारने के बाद भी ध्यान नहीं देता, तो खैर वो एक अलग बात है। और मतलब मैं वो क्लियर कंप्लीट कर दूं बात जो रश भाई से बात हो रही थी, मकसद ये है कि देखें अभी भी टूर्नामेंट खत्म नहीं है, अभी 8 मैच बाकी हैं, ऑफ कोर्स, और टूर्नामेंट अभी चलेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ से अनबीटन जाए और 8+2 10 मैच जीत जाए, लेकिन उसके नीचे ये जो परफॉर्मेंस या ये जो सिचुएशन है ये जो है ये दबनी नहीं चाहिए, ये कमरान में ये जाती है यार, मतलब आप चले जाए। अच्छा इसमें आपने ग्रैंड फ्लायर की बात की, आपने ना ग्रैंड फ्लायर की बात, आप लोग आज बारी बारी बैटिंग कर रहे हैं। हाँ मैं ये सोचता हूँ कि ग्रैंड फ्लायर का इतना कसूर नहीं है, ये हमारे जो हाई कमान होते हैं उनको देखना है कि हमें अपनी क्रिकेट को कहाँ तक लेके जाना है। बायोमैकेनिक कंसल्टेंट आपको चाहिए जो कि आपको पावर रेटिंग बताए कि किस तरह से पावर रेटिंग होनी है, किस तरह से फुट वर्किंग को करना है, कहाँ पे गैप है, कौन सा फील्डर कहाँ पे होगा, वो सारा आपको माइंड में लेके आएगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होती है। हम अभी तक अली बे पे मैं बार बार कहता हूँ कि हम डिफेंस उस पर, क्योंकि कोचेज सिर्फ सिखा सकता है डिफेंस करना कि ऐसे आउट नहीं होना, रन कैसे बनाने हैं वो आपको जो क्रिकेट पे रिसर्च हो रही है, बायोमैकेनिकल लोग हैं उनके कंसल्टेंट ईसीबी ने हायर किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, इंडिया ने भी किए होंगे और साउथ अफ्रीका है, जो टीम आगे हैं, तो हम अभी तक हेड कोच Level 2, Level 3 उसमें लगे हुए हैं, ये तो अंधेरे के ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की बात है। राशि भाई मुझे एक चीज बताएं, अभी आपने जो बात की है ये सारी चीजें जो इन्होंने अपनी सीखनी है वो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखी, वो नेग्लेक्टेड है, वो तो खेलना है, वो तो नेग्लेक्टेड है, तो अब यही मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा, मतलब यही प्रोडक्ट सामने आएगा ना, इसको प्रोडक्ट ही कहना पड़ेगा। जिनको पीछे के गेम पे दिक्कत हो जाती है, जो 5वीं स्टंप पे मार जाते हैं, जो सिचुएशन एनालिसिस नहीं करते, जो पिच को रीड नहीं करते, फिर यही होगा ना भाईजान। अब डोमेस्टिक अगर आपने PSL और ट्विटर पे ही टीमें बनानी है और ट्विटर ही के एक्सपर्ट्स के ऊपर आपने चलना है, दो गेंदों की, एक कटली एम्ब्रोज और इंजमाम उल हक की, जिसमें कटली एम्ब्रोज ने गेंद करने के बाद थोड़ा गुस्सा दिखाया, उसके बाद टप्पा मारा और इंजमाम उल हक ने जो है कटली एम्ब्रोज को मिड विकेट पे चौका मारा था फ्रंट फुट पे, वो कहां की प्रोडक्ट था सर? वो डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट था, क्योंकि उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था, डिपार्टमेंट क्रिकेट का प्रोडक्ट था, आपकी एसोसिएशन जो वो नर्सरीज थी, वो प्लेयर्स डिपार्टमेंट को देती थी, डिपार्टमेंट एक टीयर क्रिएट करता था, गेटवे टू द पाकिस्तान टीम होता था। हम लोग उसी पुरानी बातों में चले गए 2 साल बाद, यही बात करते हैं, अभी एडवांस क्रिकेट हो गई उस पर आ जाए, डोमेस्टिक के वही प्लेयर है, सारी चीजें वही है, हम लोग बहुत पीछे रह गए, दूसरी टीम आगे रह गई, इवन वेस्ट इंडीज जो कि 8वीं 9वीं जिसने क्वालिफाई किया है, ये वो टीम है जिसने क्वालिफाई किया है, जिम्बाब्वे में, और हार गए अगेंस्ट अफगानिस्तान, हार गए, इन्होंने कितना इम्प्रूव किया हुआ है,
तो ये क्या है, ये डिफरेंट कोचेज के अंडर में खेलते हैं, ये डिफरेंट फ्रेंचाइज में खेलते हैं, तो उनको आइडिया है कि हमें क्रिकेट को कैसे इम्प्रूव करना है। उसने अपने आप को सेव किया। हम लोग खैर बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, बहुत लंबी डिबेट है ये, अभी खेल लेते हैं, अभी चांस देते हैं हम पाकिस्तान टीम को। ठीक है, एक मैच हो गया, बहुत बुरी तरह से हार गए, लेकिन ये है कि और टीम्स को देखते हैं। अब साउथ अफ्रीका कल हारी है, अभी और टीमें गिरेंगी, और टीम गिरेंगी। ये वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं होगा किसी टीम के लिए भी। अच्छा, वैसे कमलान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद, कि अभी तो एक तो ये प्री मेच्योर है, क्योंकि पाकिस्तान अभी अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा, उसमें तो खैर मैं साइड पर कह रहा हूँ 12 सक्सेसिव डिफीट लग ले। पाकिस्तान का जो एक अपॉर्चुनिटी है टू स्प्रिंग बैक, दैट विल बी द थर्ड मैच जो वो खेलेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट, दैट विल बी लाइक द लिटमस टेस्ट फॉर देम, जिसमें हमें अप्रोच समझ आएगी कि हम क्या गिर के उठ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। फिर आगे हमने इंडिया से भी खेलना है, देन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सो आई पर्सनली फील आपकी राशिद की बात बिल्कुल बहुत सही है, जानवाइन है कि अभी तो ये स्टार्ट है, लेकिन क्वेश्चन अगेन वो है कि इट हर्ट्स बैड द वे दे लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज। हार जाते मैच, एब्सोल्युटली हार के नहीं हारना था। मैं कहता हूँ आप 9 के 9 मैच हार के आ जाए, लेकिन ये लगे तो सही ना कि यू आर कम्पीटिंग देयर, कोई आपका एक इंडिविजुअल अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोई आउट कर रहा है। अब आमिर का 3 आउट करना इट शुड ऑगर वेल, बट आगे अब देखना है कि ये कंटिन्यूटी कितनी है। वाइड प्लेयर था आमिर, जो जगह नहीं थी टीम में, या अब 3 आउट करके जगह बन गई है, तो यहाँ पे जगह बनाने के लिए ज्यादा खेला जाता है। मैं किसी की वो नहीं कर रहा, बुराई बात कर रहा, जगह बनाने के लिए ज्यादा खेला जाता है, टीम को जिताने के लिए कम खेला जाता है, और अपने नंबर्स को बेहतर करने के लिए खेला जाता है। यही है मेरे लिए, मेरे आज इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है। अच्छा चले, एक लिहाज से थोड़ा सा अच्छा भी हो गया, जो डॉक्टर साहब शुरू में जिसको अलग टच किया था उन्होंने, कि अब पाकिस्तान जितनी बड़ी है, ये जितनी बड़े मार्जिन से पाकिस्तान हार गया है, तो एक जो पाकिस्तान का दिस इज द वर्स्ट एवर डिफीट ना, वो इन टर्म्स ऑफ बॉल्स भी वर्ल्ड कप में, नहीं वर्ल्ड कप में, इन टर्म्स ऑफ बॉल्स वर्ल्ड कप में, 179 था ना ऑस्ट्रेलिया वाला फाइनल 99। जी जी जी, तो वो मतलब हाँ 179 वाला था, तो वो उसमें अब एक तो चीज पाकिस्तान के लिए एक और भी हो गया, कश्तियां सारी जल गई हैं। अब पाकिस्तान वो जो एक टिपिकल इफ्स एंड बर्ड्स और नेट, हाँ, वो आपने तो बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि -5.8 हो गया, ये कमरान भाई ने निकाला है। इस वक्त जो हमारा माशाल्लाह नेट रन रेट है वो -5.8 है, इसको तो रिकवर करते करते इफ्स एंड बर्ड्स में फारिग हो जाएंगे। वो सही कह रहे हैं, स्टेट मैच मार रहे हैं यार, ऐसी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव यही बात। एक और कमरान भाई, एक और चीज की ये तो हो गया आज का मैच, कल है 2 मैचेस, ठीक है। एक तो है मतलब जो कि एक ब्रिस्टल में मैच खेला जाएगा, एक कार्डिफ में खेला जाएगा। सो कल हमें ऑस्ट्रेलिया ने भी नजर आना है, अफगानिस्तान ने भी नजर आना है, बांग्लादेश ने भी नजर आना है। सो हाउ डू यू सी दोज मैचेस? बांग्लादेश नहीं है शायद, नहीं श्रीलंका है, न्यूजीलैंड श्रीलंका है, और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया। सो न्यूजीलैंड श्रीलंका दे प्ले एट ब्रिस्टल अंडर लाइट्स, एंड जो दूसरा मैच है दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, दैट इज एट कार्डिफ एंड अंडर डेलाइट। ब्रिस्टल में खेलता है कौन से? नहीं नहीं, ब्रिस्टल में ये नहीं खेल रहे, नहीं ब्रिस्टल में ठीक कह रहे हैं आप, अफगानिस्तान ब्रिस्टल में खेल रहा है और कार्डिफ में ये मैच है श्रीलंका न्यूजीलैंड। सो कल मेरी टीम तो खैर न्यूजीलैंड होगी इन द फर्स्ट मैच, और दूसरे में तो खैर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया शुड रन थ्रू। हाउ डू यू सी? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में जो अभी राशिद भाई भी बात कह रहे थे, ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है, और अगर फिर अगर हम वो कहते हैं ना कि अगर हम सैम्पलिंग पे जाएं, तो ये 92 के तरीके से ही, क्योंकि ऐसा टूर्नामेंट 92 में ही हुआ है जिसमें इतना लंबा और इतने सारे मैचेस टीमों ने खेलने थे। अभी बहुत अर्ली है, अभी तो ये पहले पहले मैच खेल रही है ये टीम्स। हर टीम को 3 से 4 मैच खेल लेने दें, उनकी फॉर्म, मोमेंटम, माइंडसेट, और जो राशिद भाई कहते हैं अप्रोच, वो जरा नजर आना शुरू हो कि कौन किस और उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। टीम बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभार वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस वो डिस्प्ले नहीं कर रहे हो, तो उनकी 11 मैच हो गए, मुझे तो सेल्फ बिलीफ किसी में नजर नहीं आया। 11 मैचेस मुझे तो वो तो शराब भी इनके रंग में रंगा जा रहा है, जिसमें सेल्फ बिलीफ नजर आता था, जिसमें एनर्जी नजर आती थी। उसमें रॉक एक पॉजिटिव साइड यही है कि और कितना बुरा हो सकता है, 11 तो हो चुके हैं ना, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेना, और हो सकता है और बुरा, लेकिन होना नहीं चाहिए, 12 हो जाएंगे वो। मतलब तो मैं आउट राइटली कोई चांस पाकिस्तान को ट्रेंट ब्रिज में नहीं दे रहा। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अब फियर ऑफ द फेलियर तो पाकिस्तान के पास है नहीं, कि गिर जाएंगे लोग क्या कहेंगे, हार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अब तो लोग कहेंगे। अब लोगों के कहने से बचने का एक ही तरीका है, जीतो तो अपने करियर पर नहीं, इन्होंने अच्छा अब टाइम आ गया अपने लिए खेलने। आखिरी मेरे शब्द हैं यही कि करियर बचाने की बात कर रहे हैं, हमारी टीम
अच्छा करे बुरा करे वो अलग चीज है, लेकिन ये वही टीम है जिसे चार पांच प्लेयर आखिरी दफा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अपने मुल्क के लिए। कॉट बिहाइंड, कॉट बिहाइंड।